जापान में एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन से केवल साल में प्रतिदिन एक ही लड़की जाती थी, तो रेलवे को बहुत घाटा लगने लगा। अब भाई एक भारी भरकम स्टेशन को चलाने के लिए 200 कर्मचारी चाहिए, सिग्नल मेंटेनर, स्टेशन मास्टर ही हो, और उस पर केवल एक लड़की जाती थी। तो पास हो गया कि भाई इस रेलवे स्टेशन को ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से ट्रेन सीधे निकल जाएगी। तो उस रिपोर्ट लगाया गया जांच करने के लिए, गवर्नमेंट बोला, तो पता चला वहाँ एक लड़की जाती है जिसको ग्रेजुएशन करने अपने इस कॉलेज जाना होता है। जापान सरकार ने स्पेशल कहा था कि जब तक इस लड़की का कॉलेज की पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती, ये स्टेशन वहीं रहेगा। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस लड़की ने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, जब उसका जॉब लग गया ना, तो रेलवे स्टेशन को वहाँ से ख़त्म किया गया। इसलिए जापान आज उतना आगे रह गया, वरना हम लोग हिंदुस्तान वाले क्यों पीछे जा रहे हैं? एजुकेशन को कोई मतलब ही नहीं समझ रहा। क्या भारत में ऐसा कल्पना कर सकती हैं? नहीं कर सकते।